हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाला वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है। सबसे पहले नवरात्रा की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई। आज पांचवा दिन था और सुबह सुबह उठ के मैंने नहा धो के पूजा कर ली है और आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ हिना मेहंदी, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है। वैसे तो मैंने दो बार ही इसकी वीडियो डाली है, बट पता नहीं वो लोग शायद नहीं देख पाए हैं, तो रिक्वेस्ट आता है कि मैं हिना मेहंदी लगाऊं। और आज जो मैं मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ ना, बहुत ही मजबूरी में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि मुझे हेयर कलर पे स्विच करना है, बट क्या हुआ कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं कौन से ब्रांड पे जाने वाली हूँ या फिर कौन सा कलर कराऊंगी। और इस बीच में मेरे ग्रे हेयर बहुत विजिबल होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल तो फेस्टिवल में बिज़ी थी, इतना सोचने का टाइम देने का मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो मेहंदी लगा लेते हैं। और मेहंदी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना मार्केट से जो भी अवेलेबल था नूपुर मेहंदी ही लगा ली। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर को कॉम कर लिया है और उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना कि पार्टीशन करती हूँ, बीच से मिड पार्टीशन करके पूरी तरह से मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, छोटे छोटे पोर्शंस लेती हूँ, दोनों साइड में लगाती हूँ और पूरा लेंथ तक लगाती हूँ, मतलब टॉप टू एकदम बॉटम तक लगा के, और उसको रोल कर देती हूँ लाइक अ जूड़ा। और थोड़े थोड़े ऐसे, मतलब अगर बीच से मैंने मांग किया है ना, तो एक बार इस साइड के थोड़े से हेयर लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम दूसरे साइड के। हाथों में मैंने ऐसे प्लास्टिक बांध लिया है, ग्लव्स नहीं था मेरे पास, वैसे तो मैं ऐसे भी रॉ लगा लेती हूँ, बट कल मुझे कहीं जाना था तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथों में मेहंदी का स्टेन आए इस वजह से। वैसे जब मैंने मिनी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ मजबूरी में, वैसे मैं हेयर कलर लगाना चाहती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, रिक्वेस्ट आया कि नहीं दीदी प्लीज़ आप हेयर कलर पे स्विच ना करो, मेहंदी हेल्दी ऑप्शन है, इससे बाल आपके अच्छे रहेंगे, हेयर कलर का लॉन्ग टर्म में बहुत ही साइड इफ़ेक्ट और बाल को डैमेज करता है। हालाँकि ये सब बातें सच में मैं भी जानती हूँ, क्योंकि ग्रे हेयर के साथ एक प्रॉब्लम है ना कि अगर आप कलर लगाने लगो तो आपकी अगर 10 है मतलब ग्रे हेयर, तो वो कब 100 और 1000 में बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ना, ये काम बहुत लेंदी है, मतलब आधा घंटा लग जाता है और एक नाइट पहले से आपको तैयारी भी करनी पड़ती है, उसके बाद 4-5 घंटे रखने पड़ते हैं। और मैं स्पेक्स पहनती हूँ ना, लेकिन जिस दिन भी मैं मेहंदी लगाती हूँ मैं स्पेक्स नहीं पहन पाती हूँ, इस वजह से मेरे सर में भी बहुत दर्द होता है, बाल भी इतने भारी भारी से लगते हैं ना। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा बोला ना, तो मैं भी थोड़ी सी कन्विंस हो गई हूँ और मैंने फिर से सोचना स्टार्ट कर दिया और मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग, जब मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ और आप लोग इस तरह से सजेस्ट करते हो ना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अपना वाला वाइब्स आता है। और यहाँ पर देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक एक, मतलब बालों का एक एक कोना अच्छे से मेहंदी पोत ली है। अब मैं 4 घंटों के लिए बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ पूरा कढ़ाई, और मैं आयरन के मतलब कढ़ाई में ही ओवरनाइट मेहंदी को सोक कर देती हूँ कॉफ़ी वाले, मतलब कॉफ़ी के पानी में मैं बनाती हूँ, और मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं करती हूँ, बाकी तो आप अपने मन हिसाब से कुछ ऐड कर सकते हैं। ये अप्लाई किया हुआ है, इसको 4 घंटे मैं रखूँगी। 10 बज रहा है 11 12 1 11 12 1 और 2। पूजा कर दिया है क्योंकि नवरात्रा चल रहा है, तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी क्योंकि इतने लंबे टाइम तक भूखे नहीं रह सकती, और नवरात्रा था तो पूजा करना भी बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने एक बार नहा कर और मैं पूजा वगैरह करके लगाई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, चाय वाय बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। कल मैं प्लांट लेकर आई और एक्स्ट्रा मिट्टी भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ना ये एक दिन ना आंधी में ना ये देखो टूट गया था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, सावन से ही मैं सोच रही थी, अरे सावन से ही सोच रही थी ना कि मैं उसको चेंज करूँगी, पर ऐसे करते करते सावन निकल गया, फिर भादो चढ़ गया था, मतलब उसमें लेते नहीं है तो नहीं लिया, तो अभी ये अच्छा मंथ चल रहा है नवरात्रा का, तो मैं वेट ही कर रही थी, कल जाके मैं खुद ही लेकर आई हूँ। तो अभी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर मैं उसको पॉट में फिक्स करूँगी। मेरा और भी कुछ प्लांट लेने का मन था लेकिन पैदल ही गई थी तो लेकर नहीं आ सकती थी, और जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना मैं एकदम टकली सी फील होती हूँ, तो मेहंदी मेरा लग गया है और टीका भी मैंने लगाया क्योंकि मैंने पूजा कर लिया है। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या ही बनाते हैं। अभी धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो गई ना, तो बालकनी में मेरी मॉर्निंग की धूप अच्छी आती है, तो धूप ना कभी कभी अच्छी भी लग रही है। और आज पता है क्या हुआ, डुग्गू ने ना बेबी को नहलाया है, और बहुत इंसिस्ट करा था, मम्मा प्लीज़ दो ना मैं बेबी को नहलाऊंगा, और सच में यार इतने अच्छे से नहलाया था ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उसने नहलाया, मैं तो डाउट कर रही थी, हालाँकि मैं वहीं खड़ी थी देख रही थी। और डुग्गू खुद भी नहा लिया है, और ये मेरे पैंट में ना मेहंदी का स्टेन लगा है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि आप लोग डाउट में ना हो कि इतना मतलब गंदा कपड़ा पहना है। मैं ऑलरेडी नहा धो के पूजा वगैरह करके ही मैंने मतलब वो करा था, मेहंदी लगाने का सोचा था। बोलो राधे राधे, ऐसे नमस्ते करके बोलो राधे राधे।
राधे राधे लादे लादे। आज तो भैया ने लाया है, बोलो डुग्गू मेरा भाई है। डुग्गू इज माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। आई एम हिज सिस्टर मामा। Who is mama? Where is your mama? डुगू ने उसे नहलाया, फिर खुद भी नहा लिया था। तो दोनों बच्चों को यहाँ पर मैंने ऑयलिंग क्रीम वगैरह लगा के बिल्कुल रेडी कर दिया है। और आज ना ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया, मेरे पास बॉयल आलू था तो डुगू को आलू के पराठे बना के दे दिए थे। मैंने और हस्बैंड ने फ्रूट्स ही खा लिए थे और डायरेक्ट मैं लंच ही बनाने लग गई, क्योंकि ये सब मेहंदी वगैरह करने में ना बहुत लेट भी हो गया था। और छुट्टी वाले दिन ऐसा ही होता है कि मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं एक साथ ही मतलब लंच ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पॉट को चेंज कर दिया है मेहंदी, और नया ये है नई वाली, और ये पुराने वाले का भी ये वाला पोर्शन अच्छा था तो मैंने इसको डाल दिया है। और ये मैं पानी में विसर्जित कर दूंगी, पार्क वार्क में पॉन्ड है। और अब नाश्ता बनाएंगे, क्या खाओगे डुगू? ब्रेड यहाँ पे है। क्या खाओगी? घर में फ्रूट्स रखा रहता है बट कोई भी काट कर नहीं खाता। मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ। मैं कितना उनको बोलती हूँ ना कि आप फ्रूट्स कट करके खा लो, पर इस मामले में मेरे हस्बैंड बहुत ही लेजी टाइप के पर्सन है। उनको दे दो सामने तो भी समटाइम वो नहीं खाते, जा के उनको रिमाइंडर लगाना पड़ता है कि प्लीज़ खा लो खा लो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एप्पल कट किया और दोनों बच्चों को हाफ हाफ दूंगी। डुगू पहले एप्पल खा लेता था बट पता नहीं क्यों आजकल वो फ्रूट्स मतलब एक ही फ्रूट्स तो खाता था, बनाना भी उसने छोड़ दिया है और अब एप्पल भी उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बेबी तो थोड़ा बहुत सब चीज़ ट्राई करती है, वो खाए ना खाए बट वो ट्राई ज़रूर करती है। ये चीज़ टच वुड उसमें थोड़ी अच्छी है। तो बच्चों को मैंने एप्पल दे दिया, हस्बैंड गुआभा और ऑरेंज हस्बैंड को दिया। गुआभा मैंने कल एक बड़ा खा लिया था और ये ना मीठी नहीं है, बड़ी फीकी सी है। तो मैं बोली मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे ना आजकल पपाया बड़ा अच्छा लगता है। और पता है यार यहाँ पे पपाया इतनी मीठी मिलती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 10 times हम पपाया लेकर आते हैं ना तो 9.5 times वो मीठी होती है। मतलब बहुत ही मतलब कम चांसेस होता है कि पपाया यहाँ पर मतलब बहुत टेस्टलेस और बेकार सा मिल जाए। तो हमने एज अ ब्रेकफास्ट यही खा लिया था। बच्चों को मैं पराठे दी थी। और फिर मैंने यहाँ पर लंच बनाया था, दाल चावल और बरबट्टी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने आज पकौड़े बनाए थे मिर्च के, लौकी के, बैंगन के। दाल चावल के साथ ना मतलब अमेजिंग लगते हैं, मतलब मज़ा आ गया खा के। भूख तो बहुत लग गई थी क्योंकि यार मेरा तो काम फ्रूट्स वगैरह से बिल्कुल नहीं चलता। आई एम नॉट अ फ्रूट पर्सन कि फ्रूट खा लूँ और मेरा हो जाए। तो मेरे को बड़ी तेज़ भूख लगी थी, इनफैक्ट सभी को लगी थी, मतलब हस्बैंड को भी, वो बताते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन सबके लिए खाना दे रही हूँ। डुगू को अभी रिसेंटली मैं दाल चावल सब्जी सब मिक्स करके स्पून लगा के दे देती हूँ और वो खाना स्टार्ट कर दिया। और ये भी ना सजेशन मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था कि आप दाल चावल उसको मिक्स करके स्पून लगा के दे दो। पहले तो वो नहीं खाता था, मैंने ट्राई किया था बट थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा मैसी करता है, बट हाँ अभी वो खा रहा है। वेजिटेबल्स तो वो छाट देता है बट दाल चावल खा लेता है। तो कभी कभी मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं दे देती हूँ। और देख लो मैं ना सारे पकौड़े के बेसन निकाल निकाल के दे रही हूँ और ये मैं डुगू की प्लेट बना रही हूँ। मतलब वो से पकौड़े सिर्फ बेसन बना दूँगी तो नहीं खाएगा बट पकौड़े बनाने के बाद उसके बेसन निकाल कर खाएगा। और फिर एक पार्सल आ गया था, पता है इसकी डिलीवरी 8 minutes में हुई है। मतलब हमने ऑर्डर किया और बस ये 8 minutes के अंदर ही घर में आ गया, हमें बिलीव नहीं हो रहा था। क्या है वो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखूंगी। बहुत ही अवेटेड गिफ्ट है ये। तो बालों को मैं वॉश करके आ गई हूँ और आज थोड़ा ज़्यादा ही देर रह गई, 4 बज गए हैं। मुझे वैसे 2:30 बजे तक नहा लेना था लेकिन कुछ काम में बिजी हो गई थी। तो यहाँ पर ये देख लो मेहंदी की प्रॉब्लम, देखो यही होती है, ये जो सारे वाइट हेयर है ना वो अलग से दिखने लगते हैं। और आजू बाजू इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि वो नॉइज़ आएगा ही। मैं घर के किसी भी कोने में चली जाऊँगी, वो नॉइज़ आएगा ही। और अभी खाना लंच वंच तो हमारा हो गया है, किचन के सारे बर्तन वर्तन भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। और हस्बैंड को डीमार्ट जाना है। हस्बैंड को क्या, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना पड़ेगा। और कुछ सामान लेना है? कुछ क्या सामान लेना है, ग्रोसरी लेना है, पता नहीं। मैंने
इस बार दिवाली में कुछ भी चेंजेस करने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। और शाम की आरती भी करूंगी मैं आजकल, मतलब जब से नवरात्रा लगा है आरती वगैरह करती हूँ। और पता है हुआ यूं है ना कि हमारा बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं हुआ था, लेकिन हस्बैंड कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए थे और हम लोगों की उस दिन फाइटिंग हो गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं था। आज देने के लिए आप उत्सुक हो? बोलो। नहीं, मैं एक्साइटेड नहीं हूं भाई। बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक्साइटेड तो सिर्फ खत्म होगी। हम लोग की लड़ाई हो गई थी। वैसे भी ऐसा नहीं है कि बर्थडे हम लोग कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते, कहां ही करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट, कभी नहीं करते हैं। चलो चलना है तुम, पता है वीकेंड्स में ना लगता है कहीं घूमने जाए, लेकिन हस्बैंड को कहाँ जाना होता है? ग्रोसरी। लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों की ना छोटी मोटी फाइटिंग हो गई थी। और ऐसे ऐसे तो कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर एक्सपेक्टेशन था कि हस्बैंड कुछ गिफ्ट देंगे। तो पहली 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 बार में बेबी प्लीज चुप हो जाओ। तो हस्बैंड पहली बार मुझे ना सरप्राइज गिफ्ट दिए हैं। मतलब मैंने अभी ना मिनी ब्लॉग आपने अगर देखा होगा तो देख ही लिया होगा। ये देखो मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है और मैं दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट वन है कि मुझे ये रिंग मिला है जो कि काफ़ी प्यारा है। थोड़ा मुझे लूज़ हो रहा है, मुझे मेरे इसी फिंगर में फिक्स आ रहा है, और वो उनका डिज़ाइन पसंद है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे रिंग मिला है। मुझे दो ड्रेसेस मिले हैं जो कि मैं आगे आप लोगों को कभी पहन के दिखाऊंगी, इसके लिए अलग शॉर्ट्स आएगा। और मुझे जो मिला है क्या बताऊं, वैसे ये मैं नहीं बोलूंगी कि सरप्राइज है, लेकिन हाँ बर्थडे ही गिफ्ट है, बट सरप्राइज नहीं है। मुझे पहले से पता था, प्लान चल रहा था। ये मेरा आईफोन 15 प्लस, थैंक यू इनने सारे गिफ्ट देने के लिए। ऐसे गिफ्ट देते रहे हस्बैंड तो क्यों लड़ाई हो बताओ, क्यों लड़ाई हो? ऐसे गिफ्ट दे रहे तो मैंने सेले ना बचे। हाँ वो भी बात है, कभी कभी तो बनता है, बर्थडे एक ही बार आता है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी चीजें आती है। बट ऐसा नहीं, आप बहुत दिनों बाद गिफ्ट दिए। तो शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूंगी और एक एक करके पूरे गिफ्ट्स को दिखाऊंगी कि क्या मिला है। फिलहाल मैंने इस ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत ओवरऑल आपको बता ही दिया, क्योंकि आज सच कुछ सस्पेंस रखने का कोई सेंस नहीं है। और अभी हम लोग डीमार्ट जाएंगे, आज सैटरडे है और कल संडे है, कल हमें जाना है नेहा के घर जाना है, उसका बेबी हुआ है। पता नहीं मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है कि नहीं किया है, अभी 25 जुलाई को उसको बेबी बॉय हुआ था। तो हम ऐसे तो उसके घर विजिट करके आ चुके हैं, पर कल उनके घर में पूजा है, तो मॉर्निंग में ही हमें जाना है। तो कल वहां जाएंगे, देखते हैं ब्लॉगिंग कर पाते हैं कि नहीं, कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि काफी सुबह जाना है और फिर जाने के बाद इतने बिजी हो जाते हैं कि याद नहीं आता है। पर फिर भी पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली मैंने अपने मेहंदी अप्लाई पे ही बनाया था। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि प्लीज एक बार हिना मेहंदी एप्लीकेशन दिखाओ दिखाओ। मुझे लगाना तो नहीं था, बट सिचुएशन आपको पता ही है क्यों लगाया। तो चलिए ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, काफी कर चुके हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा, ये रिंग ध्यान से देख लो, और वो कपड़े वपड़े तो मैं आपको कभी अलग से दिखा दूंगी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों ने मुझे इतने सारे बर्थडे विशेस दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।